पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी ने 92 सीटां दे उत्ते कब्जा कर सूबे दे विच सरकार बनाउणी तय कर ली है। हुण पंजाब दे लोक सहूलतां लैण लई तैयार हो जाण। मुफ्त बिजली तो लैके होर किहड़ियां किहड़ियां सहूलतां दी लोकां नूं आम आदमी पार्टी ने गरंटी दित्ती है ते कदों इह गरंटियां शुरू हो जाणगियां, देखो एक खास रिपोर्ट। जो मैंने कहा ये केजरीवाल की गारंटी है, ये कैप्टन के वादे नहीं है। तो आप पूछोगे जी कितने दिन में पूरे कर, उनके वादे तो 5 साल हो गए तब भी पूरे नहीं हुए। जैसे ही सरकार बनेगी पहली कलम से पंजाब के अंदर 300 यूनिट बिजली माफ कर दी जाएगी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब दे विच हुंजा फिर जित हासिल करदिआं सूबे दीआं कुल 117 विधानसभा सीटां विचों 92 उत्ते कब्जा कर इतिहास सिरज दित्ता है। आप दे सिर जित दा इन्ना वड्डा सिरा लोकां ने सजाया क्योंकि लोक रवायती पार्टियां तो अक चुके सी। हुण आप दी वड्डी जिम्मेवारी है उह इह कि लोकां दे नाल कीतीआं गरंटियां नूं पूरा करना। इस लई सरकार नूं हुण दिन रात मेहनत करनी पएगी क्योंकि उन्हां अगे चुनौतियां भी बहुत वड्डियां। इस सब विचाले लोगों को भी हुण यह याद रखना पड़ेगा कि असी किते बेफिक्र ना हो जाइए ते सौ ना जाइए। सानू याद रखना पड़ेगा कि आप पार्टी ने सानू किहड़ियां गरंटियां दित्तियां सी ते उन्हां नूं पूरे करन लई किन्नियां कोशिशां हो रही ने। इसलिए आप दीआं गरंटियां दी इह लिस्ट संभाल के रखियो। सब तो पहला गल करदे हां मुफ्त बिजली की। आम आदमी पार्टी ने पंजाब दे विच सरकार बनन उत्ते 24 घंटे बिजली सप्लाई, हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देन, बिजली दे घरेलू बिल पुराने बकाया बिल माफ करन दा वादा कीता होया। हुण पंजाब सिर इस समय करीब 3000 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। अजिहे दे विच आम आदमी पार्टी इस नूं किवें कर पाउंदी है ये देखना होएगा, पर उन्हां गरंटी दित्ती है तां करना तां पएगा ही। नाले उन्हां आख्या सी कि साडे कोल ब्लू प्रिंट तैयार है, असी हवा दे विच गल्लां नहीं करदे। इत्थों तक कि केजरीवाल हुणां ने तरीक भी दस दित्ती सी कि कदों तो यह मुफ्त बिजली शुरू हो जाएगी। होर की कुछ आख्या अरविंद केजरीवाल ने, आओ तुहानूं उह वी सुनवा दईए। एक, हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, दो, पुराने सारे बिजली के बिल माफ और उनका कनेक्शन बहाल। और उनका कनेक्शन बहाल होगा, जितने पुराने लोग जितने कट गए सबका कनेक्शन बहाल होगा, सबको सम्मान की जिंदगी दी जाएगी। और तीसरी चीज, 24 घंटे में बिजली मिल जाएगी। अब ये जो मैंने कहा ये केजरीवाल की गारंटी है, ये कैप्टन के वादे नहीं है। तो आप पूछोगे जी कितने दिन में पूरे कर, उनके वादे तो 5 साल हो गए तब भी पूरे नहीं हुए। जैसे ही सरकार बनेगी पहली कलम से पंजाब के अंदर 300 यूनिट बिजली माफ कर। इस तो अलावा भगवंत मान ने आख्या कि खेती नूं मुड़ तो लाहेवंद धंधा बनावांगे, फसली विभिन्नता लियाउण दे लई सारियां फसलां दा मंडीकरण करांगे अते उन्हां दे उत्ते MSP दित्ती जाएगी। हुण गल करदे हां महिलावां दे नाल कीते होए वादे या गरंटी दी, जिस नूं लै के कई सियासी पार्टियां ने सवाल भी खड़े कीते। केजरीवाल ने इस तहत 18 साल तो वध उम्र की हर महिला नूं 1000 रुपए प्रति महीना देने का ऐलान किया। इस तो अलावा चंगीआं सेहत सहूलतां दी गरंटी तहत पंजाब दे पिंडां ते शहरां दे विच 16000 क्लीनिक खुल्लण, सस्ता वधिया ते मुफ्त इलाज देण दी गल भी कीती गई। आम आदमी पार्टी दी इह भी गरंटी है कि सारे कच्चे अध्यापक पक्के होणगे, खाली असामियां भरियां जाणगियां, विदेश तो सिखलाई दवाई जाएगी, समय सिर प्रमोशन होवेगी, कैशलैस बीमा अते गैर विद्यक काम नहीं कीते जाणगे। इस तो अलावा जिहड़े रुजगार दे लई भटकरे आ ते उन्हां नूं रुजगार भी पहल दे आधार दे उत्ते मुहैया करवाया जाएगा। यह गल बीते दिन भगवंत मान दे वल्लों भी आखी गई कि सब तो पहला पैन चलेगा तां बेरुजगारी दूर करन दे लई। इन्ना ही नहीं, केजरीवाल की एक गरंटी हर बच्चे नूं पहली तो डिग्री तक मुफ्त सिक्ख्या देन, SC भाईचारे के बच्चों लई पेशेवर कोर्सां दे विच दाखले लई कोचिंग फीस सरकार वल्लों भरन की गल भी कही गई। इस गरंटी दे विच इह भी कहा गया कि जेकर SC बच्चा BA MA की पढ़ाई लई विदेश जाना चाहेगा तो सारा खर्च सरकार चुकेगी। इस तो अलावा वड्डी गल है
कि लंगड़े हो चुके सिस्टम नूं दुरुस्त करना ते पंजाब दे बापूआं दे हट्टां दे विच बह चुकी रिश्वतखोरी नूं खत्म करना वड्डी गल होवेगी। इत्थे वड्डा सवाल यह भी है कि इन्हां मुफ्त स्कीमां दे लई बजट कित्थों आएगा। पंजाबीओ तुसीं इस गल करके ही जागदे रहना है, समय समय से सरकार नूं याद करवाउणा है कि साडी इह गरंटी पूरी नहीं होई ते जल्द तो जल्द इस नूं पूरा किया जाए, क्योंकि सरकार बदलना सिर्फ बदलाव नहीं, असल बदलाव उदों आएगा जदों लोग खुशहाल होणगे ते सूबे का खजाना सरप्लस होगा। उम्मीद है कि नवी बनी सरकार ये सब गरंटियां पूरियां करन दे नाल नाल सूबे नूं खुशहाल बनाएगी, क्योंकि भगवंत मान ते केजरीवाल कहिंदे रहे हैं कि वह भ्रिष्टाचार नूं खत्म करके अते रेत माफिया ते होर माफिया उत्ते सरकारी कंट्रोल करके फंड जुटा लैणगे। याद रखियो, सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी नूं सिर्फ 18 सीटां मिलियां ने अते पंजाब दी 100 साल पुरानी सियासी पार्टी श्रोमणी अकाली दल केवल 3 सीटां तक सिमट के रह गई है। पंजाब दे लोकां ने आम आदमी पार्टी नूं जिन्ना वड्डा फतवा दिता है उस तो साफ है कि लोकां दीआं आसां ते उम्मीदां किन्नियां वड्डियां हैं। इन्हां आसां नूं पूरा करना आम आदमी पार्टी की लीडरशिप लई एक वड्डी चुनौती होवेगा। आखिर ते फिर पंजाबियों, जिस उम्मीद के लिए बदलाव लैके आए हो, जागदे रहो।